जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत आपके अपने चैनल स्टार्ट्स गुरुजी पर। इस वीडियो में बात करेंगे नेदरलैंड्स वर्सेस आयरलैंड सेकंड ओडीआई मैच प्रीव्यू के बारे में। तो बिना देरी के यहाँ प्रीव्यू शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं, ये मैच स्पोर्ट्स पार्क यूट्रेट के ऊपर खेला जाएगा और ये मैच करीबन दोपहर के 2 बजे स्टार्ट होगा। तब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे पिच रिपोर्ट के बारे में। तो आपको बताना चाहूँगा, ये सेम वेन्यू है जहाँ पर 2 जून को नेदरलैंड वर्सेस आयरलैंड के बीच में फर्स्ट ओडीआई मैच खेला गया था। तो उस मैच के अंदर दोस्तों अपन ने क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। प्लस दोस्तों मेरे पास ना आपके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए कुछ फोटोज़ हैं। तो आपको सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ फोटोज़ के ऊपर। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर पिच इस तरह से दिखने वाली है। इस पिच की दोस्तों खासियत क्या है, जो स्टेडियम है स्पोर्ट्स पार्क स्टेडियम, इसकी पिच दोस्तों मेरे हिसाब से न्यूट्रल है। यहाँ पे ना बैट्समैन और बॉलर्स को दोनों को बराबर की मदद मिलेगी। और आपको दोस्तों एक खास ऑब्जर्वेशन बताना चाहूँगा कि इस मैच के अंदर दोस्तों मैंने क्या ऑब्जर्व करा था, आपको ध्यान देना है। जो पिच है ना ये मेरे हिसाब से दोस्तों थोड़ी सी स्लो पिच थी। इसका मतलब क्या हुआ, इस पिच के ऊपर ना हल्के हल्के क्रैक्स थे। तो यहाँ पे पेसर्स को और दोस्तों स्पिनर्स को यहाँ पे मदद मिलने वाली। मेरे हिसाब से बॉलर्स दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और प्रीवियस गेम के अंदर भी ना बैट्समैन को डिफिकल्टी हो रही थी शॉट्स मारने के लिए। आप देख सकते हो दोस्तों पिच को यहाँ पर, ठीक है, आपको दिखा दी मैंने फोटोज़। इस दोस्तों स्टेडियम है, बहुत शानदार सा स्टेडियम है स्पोर्ट्स पार्क यूट्रेट का। पास में दोस्तों कितनी ग्रीनरी आप खुद देख सकते हो। फिर से दोस्तों आपको एक बहुत ही अच्छा मैच देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों पे स्टैट्स की। तो आपको ध्यान देना है, मेरे हिसाब से पिच थोड़ी सी यहाँ पे स्लो रहेगी, यहाँ पे बाउंड्रीज थोड़ी सी छोटी है। और आपको ये भी ध्यान रखना है होम ग्राउंड दोस्तों नेदरलैंड्स का। अब देखो जिस टीम ने इस वेन्यू के ऊपर पहले बैटिंग कराया ना, 2 मैचेस जीते हैं आउट ऑफ 3 गेम्स। तो मेरे हिसाब से जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले यहाँ पर बल्लेबाजी करना पसंद करेगी, क्योंकि दोस्तों दूसरी पारी के अंदर ना पिच थोड़ी सी स्लो जाती है। एवरेज स्कोर 240-300 आपको बनता दिखेगा। अब ध्यान देना लास्ट मैच में दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ था। पेसर्स ने 11 विकेट निकाले, पहली पारी के अंदर दोस्तों 6 विकेट निकाला था और दूसरी पारी के अंदर 5 विकेट निकाला था तेज गेंदबाजों ने। अब देखो किस टाइप के बॉलर्स ने विकेट निकाला था। राइट आर्म पेसर्स ने 7 विकेट, लेफ्ट आर्म पेसर्स ने 4 विकेट यहाँ पे निकाला था। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे किसकी, स्पिनर्स की। तो यहाँ पर दोस्तों स्पिनर्स ने ना 5 विकेट निकाले थे लास्ट मैच के अंदर, और पहली पारी के अंदर 2 विकेट थे और दूसरी पारी के अंदर दोस्तों यहाँ पे 3 विकेट थे। आप देखो यहाँ पे किस टाइप के स्पिनर्स ने विकेट निकाला था। ऑफ स्पिनर्स ने 2 विकेट निकाला और दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स ने 3 विकेट निकाला था। क्लाउडी वेदर दोस्तों यहाँ पे रहने वाला है। पहली पारी के अंदर दोस्तों बारिश की आशंका ही नहीं है, लेकिन दूसरी पारी के अंदर ना लाइट रेन आ सकती है दोस्तों, हल्के से शावर्स आ सकते हैं, बादल रहेगा दोस्तों सेकंड इनिंग्स के अंदर। अब दोस्तों वीडियो को अप्लाई करके स्टार्ट कर सकते हो। पूरी मैंने दोस्तों आपके सामने हर तरह के दोस्तों आपको यहाँ पे स्टैट्स प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। प्लेयर का दोस्तों रिसेंट फॉर्म हो गया, प्लस दोस्तों हेड टू हेड स्टैट्स के हैं, ठीक है। तो दोस्तों वेन्यू स्टैट्स भी आपको दिखाऊंगा, प्लेयर बैटल रहेगी दोस्तों यहाँ पर, तो बहुत ही शानदार वीडियो रहने वाला है। तो दोस्तों अप्लाई करके स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी फाइनल टीम्स आएगी, फर्दर अपडेट्स आएगी दोस्तों आपको मिलेगी टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम से कैसे जुड़ना है मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर सबसे टॉप पे पिन करके दे दूंगा, ठीक है, जिसके ऊपर पहले से 1 लाख लोग जुड़े हुए हैं। तो आप भी जुड़ सकते हो, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन फॉर द फाइनल अपडेट्स, यू कैन ज्वाइन। अब दोस्तों बात करते हैं न्यूज़ की। तो आप वैसे ही जानते हो नेदरलैंड्स के दोस्तों मेन प्लेयर्स आ चुके हैं, टिम वन गप्टिन, फ्रेड क्लासेन, ब्रेंडन ग्लोवर। अब यहाँ से आयरलैंड की बात करते हैं, तो यहाँ से क्रूटस कैंपर एंकल इंजरी है और ये इस मैच में अवेलेबल भी नहीं है। सीरीज़ के अंदर जॉर्ज डॉकलर दोस्तों एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे हेड टू हेड मैचेस में क्या हुआ है। दोनों टीम्स ने आपस में 7 मैच खेले हैं, 1 ड्रॉ हुआ है। आयरलैंड दोस्तों 5 जीती है और नेदरलैंड दोस्तों यहाँ पर 1 मैच जीती है, जो उन्होंने पिछला मैच जीता था ना, हिस्ट्री हो गई एक तरीके से, पहला मैच जीता उसने आयरलैंड के खिलाफ में। अब देखो यहाँ पे नेदरलैंड्स की बात करते हैं, तो मैक्स ओडोवर्ड ओपनिंग करते हैं स्टेपन मेबर्ग के साथ, फिर आएंगे ऐसे बैन कॉपर, लेफ्टी बैट्समैन है। तो टॉप 3 के अंदर ना 2 लेफ्टी बैट्समैन है। तो मेरे हिसाब से ना आयरलैंड के ऑफ स्पिनर्स आपको पावर प्ले के अंदर भी बॉलिंग कराते हुए दिख सकते हैं। फिर आएंगे यहाँ से बेस्ट लीडे राइडी बैट्समैन है, पीटर सिलार आएंगे यहाँ से कैप्टनसी कर रहे हैं, राइडी बैट्समैन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। स्कॉट एडवर्ड्स आएंगे कीपर है और ये राइटी बैट्समैन है, शायद 200 मैच में बाहर हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ना स्टार्टिंग के ओवर के अंदर ही विलियम पॉटरफील्ड का कैच छोड़ा था फ्रेड क्लासन की बॉल के ऊपर। तो यहाँ से टॉबी विस आ सकते हैं इस मैच के अंदर, टॉबी विस है ना अपने। फिर आएंगे यहाँ से शाकिब जुल्फिकर, पिछले मैच के अंदर डेब्यू करा था, राइडी बैट्समैन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। लॉगन विन भी आएंगे यहाँ से दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, राइट ही बैटिंग करते हैं दोस्तों, ये न्यूजीलैंड से आते हैं। फिर आएंगे यहाँ से ब्रेंडन ग्लोवर, राइट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट बॉलर है, पिछले मैच में लाइन लेंथ बहुत खराब थी, इस मैच में जगह मिले या ना मिले कंफर्म नहीं है। फ्रेड क्लासन खेलेंगे, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट, टिम वन गप्टिन, राइट आर्म फास्ट मीडियम है। प्रमुख गेंदबाज लॉगन विक, फ्रेड क्लासन, टिम वन गप्टिन और आई थिंक पीटर सिलार रहेंगे, 4 बॉलर दोस्तों प्रमुख खिलाड़ी इसके बॉलिंग के अंदर। आयरलैंड की बात करते हैं, पॉल स्टर्लिंग ओपनिंग करेंगे विलियम पॉटरफील्ड के साथ, एंड्रू बलब्राइनी यहाँ पे
राइट ही बैट्समैन इस टीम को लीड कर रहे हैं। हरी टैक्टर टू डाउन, जॉर्ड एवरेल दोस्तों यहाँ पे नंबर 5 पे खेलेंगे, राइट ही बैट्समैन है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। नंबर 6 पे आएंगे दोस्तों यहाँ से लॉकन टकर, ये विकेट कीपर राइट ही बैट्समैन है। सुमित सिंह ऑफ स्पिनर है, राइट ही बैट्समैन है। एंड्रयू एम सी ब्रायन आएंगे यहाँ से, राइट ही बैट्समैन ऑफ स्पिनर है। बैरी मक्कार्थी राइट आर्म मीडियम है। क्रेग यंग राइट आर्म मीडियम। जॉस रिडल दोस्तों लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम है। प्रमुख गेंदबाज बैरी, क्रेग, जोस लिटिल और एंड्रयू और एमसी बल ब्रायन, ये चार दोस्तों मेरे हिसाब से प्रमुख गेंदबाज रहेंगे। अब चलते हैं दोस्तों किसकी तरफ, जब इस वेन्यू के ऊपर मैचेस में तब क्या हो दोस्तों, पहले दोस्तों आपको मैं वेन्यू स्टैट्स क्यों दिख रहा हूँ आपको पता है, क्योंकि जो पहला ODI मैच हुआ था ना इस वेन्यू के ऊपर, वो हिस्ट्री का फर्स्ट ODI मैच है इस वेन्यू के ऊपर, अपन कह सकते हैं, समझ रहे हो आप। इस वेन्यू के ऊपर ना पहली बार दोस्तों कोई ODI मैच हुआ है, तो उस मैच के अंदर दोनों टीम्स ने पहली बार खेला है और ये लास्ट मैच का स्कोर कार्ड भी हो जाएगा एक तरीके से। अब देखो नेदरलैंड्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे इस वेन्यू के ऊपर मैक्स ओडोवर ने 23 करा था लास्ट मैच के अंदर, स्टेपन मबग ने 20 करा है, बैन कॉपर ने दोस्तों 6 करा था, बेस लेडे ने यहाँ पे 21 करा, एक ओवर के अंदर 4 रन दिया था, पीटर सिलार ने यहाँ पर 9 ओवर के अंदर 27 रन देके 3 विकेट निकाला दिखा दोस्तों। पिच थोड़ी सी यहाँ पर हल्की सी धीमी है। आएंगे यहाँ से स्कॉट एडवर्ड्स, आप देख सकते हो उन्होंने क्या करा था, आई थिंक इसने तो 1 रन करा था 2 बॉल के अंदर, ठीक है। फिर आएंगे यहाँ से शाकिब जुल्फिकर, 23 की नॉक खेली थी, रनआउट हुए थे बहुत ही खराब तरीके से, 2 ओवर के अंदर 16 रन दिया था। पॉल स्नेलिंग दोस्तों को आड़े थिरछा लिया था, लॉग वन विक ने 29 स्कोर करा था और 2 विकेट निकाला 44 रन देके, नई बॉल से कंट्रोल करा था। फिर आएंगे यहाँ से टीम वन गुप्टिन, मिडन पे मिडन डाला था बॉलर, 9 ओवर के अंदर मात्र 25 रन दिया, 1 विकेट निकाला और 49 रन विद द बैट बनाया था दोस्तों, इसने डिफरेंस क्रिएट करा था इस पूरे मैच के अंदर। अगर दोस्तों टीम वन गट्टी ने इतनी बड़ी पारी नहीं खेलता ना 49 की, तो मेरे हिसाब से ये टीम आराम से 150 पे सिमट सकती थी, लेकिन 187-188 तक ये टीम गई थी। रहेंगे यहाँ से ब्रेंडन ग्लोवर, 2 रन है, 9 ओवर के अंदर इसने 46 रन दिया। वाइड की दोस्तों उसने बहुत चार लगा दी थी, मतलब क्या हुआ कि इसने ना इतनी वाइड डाली थी मेरे हिसाब से 7-8 वाइड इसने डाल दी थी कम से कम, फ्रेड क्लास से 1 विकेट 28 रन देके 10 ओवर के अंदर। स्टार्टिंग ओवर आएंगे ऐसे टिम वन गुप्टिन, फ्रेड क्लासेन, लोगन विक, डेथ ओवर में आएंगे लोगन विक, टिम वन गुप्टिन, फ्रेड क्लासेन। आयरलैंड की बात करते हैं दोस्तों आपको ध्यान देना है, पॉल शेरिंग ने यहाँ पे 69 करा है, विलियम पॉटरफील्ड 5 पे आउट पे, एंडी बुलब्राइनी ने 4 करा, हैरी टेक्टर ने 0 करा, जॉर्ज डॉकरेल ने दोस्तों यहाँ पे 11 करा था और 3 ओवर के अंदर 19 रन दिया था। लॉरकन टक्कर 8, सिमी सिंह दोस्तों 45 प्लस 1 विकेट है, 28 रन देके इसने दोस्तों अच्छी बॉलिंग कराई थी। आएंगे एंड्रयू एम सी ब्रायन, इनका देखो 9 मैचेस के अंदर, मतलब 9 ओवर के अंदर 31 रन दिया, 1 विकेट और विद द बैट 17 रन, लेफ्टी बैट्समैन है। बैरी मक्कार्थी 8 ओवर के अंदर 48 रन दिया, ये दोस्तों खिलाड़ी थोड़ा सा डिफरेंट है मेरे लिए, हमेशा रहेगा एक नंबर गेंदबाज है। देखते हैं दोस्तों उस मैच में क्या करता है, पिछले मैच में कैचेस वगैरह तो ड्रॉप नहीं हुए थे लेकिन इसके एज लग के दोस्तों बार बार चौके जा रहे थे, कट लग रही थी बॉल, स्लिप के बगल से कभी बॉल जा रही थी, थोड़ा सा अनलक्की बॉलर था प्रीवियस मैच के अंदर। क्रेग यंग आएंगे यहाँ से, 3 विकेट है, 34 रन देके और बहुत अच्छे बॉलर हैं। जस लिटिल 3 विकेट निकाला, 32 रन देके 10 ओवर के अंदर, स्टार्टिंग उड़ालेंगे ऐसे बैरी मक्कार्थी, क्रेग यंग, जस लिटिल, डेथ ओवर आएंगे दोस्तों बैरी मक्कार्थी, क्रेग यंग, जस लिटिल। ये दोस्तों हेड टू हेड स्टैट्स है, प्लस दोस्तों आपको रिसेंट फॉर्म बताएगा प्लेयर्स का, तो आपको ध्यान देना है कि स्टेपन मबग ने आज तक ODI के अंदर वनडे डोमेस्टिक के अंदर 88 मैचेस खेले हैं, 30 के एवरेज है, 24 रन है, हाई 605 है, 50 प्लस 17 बार करा है। ये दोस्तों दूसरी पारी के अंदर ज्यादा अच्छी नॉक्स खेलता है और पिछले मैच के अंदर अच्छे टच में था, मैं आपको सही लॉजिकली बात कहूँ तो हेड टू स्टैट्स 3 मैचेस में 77 रन है। मैक्स ओडोवर 16 मैचेस के अंदर इसने ODI के अंदर वनडे डोमेस्टिक के अंदर 50 ओवर के मैचेस में 32 की एवरेज रखी है, 35 रन है, हाई 36 नॉट आउट है, 50 प्लस 3 बार करा है और इसका हेड टू स्टैट्स है एक मैच में 23 की एवरेज। आएंगे यहाँ से बैन कॉपर, हेड टू हेड मैचेस के अंदर एक मैच के अंदर 6 की एवरेज है और बैन कॉपर का ODI के अंदर 50 मैचेस के अंदर 978 रन है, 109 50 प्लस 5 बार करा, 24 की एवरेज है। ऑस्ट्रेलियन इंडियन दोस्तों बॉर्न प्लेयर है। आएंगे स्कॉट एडवर्ड्स, 14 मैचेस में 23 की एवरेज, 300 के आसपास रन है लगभग, आयुष 44 है और हेड टू हेड मैचेस में एक मैच के अंदर 1 की एवरेज है। बेस्ट लड़े आएंगे यहाँ से, 11 मैचेस में 4 विकेट है, 146 रन है ODI के अंदर और आप देख सकते हो इसका हेड टू हेड मैच में एक मैच में 21 के एवरेज है। पीटर सिलार आएंगे दोस्तों यहाँ से, इनका हेड टू हेड मैचेस के अंदर 5 मैचेस में 7 विकेट है, 74 रन है ODI के अंदर, 124 मैचेस में 119 विकेट है। साकिब जुल्फिकर 4 में 43 रन, 1 विकेट है ODI के अंदर, हेड टू हेड मैचेस में एक मैच में 23 रन है और 0 विकेट्स हैं। ब्रेंडन ग्लोवर 6 मैचेस में 4 विकेट है, ODI के अंदर 55 रन है, हेड टू हेड मैचेस में एक मैच में 1 विकेट है। लोगन भी आएंगे यहाँ से, इनका 72 मैचेस के अंदर 87 विकेट है दोस्तों। ये पहले विलिंगटन के लिए खेलते थे जिसके अंदर दोस्तों डेवन कॉनवे जैसे लीजेंडरी प्लेयर्स जिमी नीशम हो गए, इनके साथ दोस्तों प्लेयर खेलता है तो आप समझ सकते हो दोस्तों कितना अच्छा इसका इन्वायरमेंट रहेगा, कितना अच्छा दोस्तों पे कॉम्पिटिशन रहेगा, तो अपन कह सकते हैं ना कि लोगन बिकना ये सबके अंदर दोस्तों एक
अलग प्लेयर है, छठा हुआ प्लेयर बोलते हैं ना अपन, यार भाई ये बंदा थोड़ा सा अलग है। लॉगमन बेक इस टीम के अंदर अपन देखते ना नजर उठा के, तो क्योंकि ये ऐसे माहौल से आया जहाँ पे दोस्तों एक लीजेंडरी प्लेयर्स खेलते हो टीम के अंदर, तो दोस्तों ये भी थोड़ा सा अलग प्लेयर हो सकता है। हेड टू हेड मैचेस के अंदर 29 की एवरेज है, एक मैच में 2 विकेट है। टीम वन गुप्टिन लास्ट मैच में हेड टू हेड मैचेस में 49 रन था, 1 विकेट निकाला था, और इसका ओडीडी के अंदर 58 मैचेस में 68 विकेट है। फ्रेड क्लासन का 21 मैचेस में 31 विकेट, ओडीडी के अंदर हेड टू हेड में 1 में 1 विकेट है। विवियन की इतना दोस्तों खेलते तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब देखो आयरलैंड की बात करते हैं तो पॉल स्टर्लिंग का हेड टू हेड मैचेस में 7 मैचेस में 51 की एवरेज है, 355 रन है और क्लास प्लेयर है। 215 मैचेस के अंदर वन डे डोमेस्टिक्स के अंदर इसका 50+54 टाइम्स है। विलियम पॉटरफील्ड आएंगे यहाँ से 280 मैचेस में 50+60 बार खड़ा है। दोस्तों एक टाइम पे बहुत अच्छा प्लेयर हुआ करता था, रिसेंट फॉर्म भी इतना खास नहीं है। रिसेंट फॉर्म देखो इसका, अभी हाल ही के अंदर ना हफ्ते भर पहले एक टूर्नामेंट हुआ था, इसका नाम था इंटर प्रोविजनल आयरलैंड 50 ओवर मैच। उसके अंदर इसने क्या करा था, ये मतलब ये ऐसा टूर्नामेंट था जिसमें इंडिया के अंदर ना विजय जारी ट्रॉफी चलती है, ठीक है, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर मार्श कप चलता है, न्यूजीलैंड के अंदर फोर्ड ट्रॉफी चलती है, इंग्लैंड के अंदर दोस्तों चलता है रॉयल लंडन कप, साउथ अफ्रीका के अंदर चलता है मोमेंटम कप, इसी तरह दोस्तों इस कंट्री के अंदर इंटर प्रोविजनल लीग चलती है जो 50 ओवर की लीग होती है डोमेस्टिक मैचेस के अंदर। तो इसने भाई साहब ने क्या करा था, 7/37 की एवरेज थी, 4 मैचेस में 48 रन थे। हेड टू हेड मैचेस में दोस्तों आला परफॉर्मेंस, 7 मैचेस में 333 रन है, 48 की एवरेज है। एंड्यू बलबराइन आएंगे यहाँ से, ये भी दोस्तों क्लास खिलाड़ी है, हेड टू हेड मैचेस में सिर्फ 2 मैचेस में 10 रन है। वाइल्ड चेसिंग अच्छा करते हैं लेकिन पिछले मैच में कुछ नहीं करा। हरी टैक्टर हेड टू हेड मैचेस के अंदर 0 की एवरेज है, लास्ट मैच में दोस्तों आउट हो गया था बहुत ही जल्दी, आई थिंक बहुत ही खराब उनका शॉर्ट सिलेक्शन था। 48 मैचेस में 50+ उसने 8 बार करा ओडीडी के अंदर। रिसेंट फॉर्म भी इतना खास नहीं है, 4 मैचेस में 72 रन है। जॉर्ज डॉकरेल रिसेंट फॉर्म दोस्तों आला है, आप खुद देखो 6 मैचेस के अंदर 364 रन है, रिसेंट फॉर्म इसका 121 की एवरेज है, 4 विकेट है। हेड टू हेड मैचेस के अंदर 7 में 7 विकेट है, देखते हैं दोस्तों उस मैच में क्या करता है ये। लॉर्कन टक्कर आएंगे से 57 मैचेस के अंदर 28 की एवरेज है, 100 यहाँ से कह सकते हैं 1300+ रन, हाइस्ट 109 है, 50+10 बार करा है ओडीडी के अंदर। हेड टू हेड मैचेस के अंदर 1 मैच के अंदर 8 की एवरेज है। एंड यूएम जुब्रैन का हेड टू हेड मैचेस के अंदर आप देखो 1 मैच में 1 विकेट 17 की एवरेज है, और ये जब पहले बॉलिंग करता है ना तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 40 विकेट्स है, वाइल बैटिंग सेकंड थोड़ा सा एवरेज परफॉर्मेंस है। मार्क आदि 40 मैचेस में 43 विकेट्स, ओडीडी के अंदर रिसेंट फॉर्म दोस्तों अच्छा है, 4 मैचेस में 5 विकेट है, शायद ही खेलेंगे। बैरी मकार्थी का दोस्तों रिसेंट फॉर्म देखो, 6 मैचेस के अंदर इंटर प्रोविजनल आयरलैंड की सीरीज के अंदर इसने 17 विकेट्स निकाले थे मात्र 6 मैचेस के अंदर, तो देखते हैं दोस्तों उस मैच में क्या करिश्मा कर पाता है खिलाड़ी। अब दोस्तों मैं आपको आखिर में बताऊंगा चीज, हेड टू हेड मैचेस में 1 मैच में 0 विकेट है। ग्रेग यंग का हेड टू हेड मैचेस में 3 विकेट है 1 मैच में, जोसे लिटिल का हेड टू हेड मैचेस में 3 विकेट है 1 मैच के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों पे प्लेयर बैटल की तरफ, आपको ध्यान देना है मैक्स ओडवर्ड का यहाँ पे स्ट्रगल है किसके सामने, यंग के सामने, डॉकरेल के सामने, और आप खुद देख सकते हो कि ये तो उसका T20 का स्ट्रगल था सी एन का अगेंस्ट मैक्स ओडवर्ड, 29 बॉल के अंदर 42 रन देके एक बार आउट कराया T20 के अंदर। और ओडीआई के अंदर देखो सी एन ने क्रेग यंग ने 12 बॉल के अंदर 1 रन दिया मैक्स ओडवर्ड को और एक बार आउट कराया। फिर आएंगे यहाँ से स्टेपन मेबर्ग, इनका स्ट्रगल है दोस्तों यहाँ पर किसके सामने, इनका स्ट्रगल आपको देखने को मिलेगा जॉर्ज डॉकरेल के सामने, 3 बॉल के अंदर 6 रन एक बार आउट हुए। क्रेग यंग के सामने 12 बॉल के अंदर 5 रन एक बार आउट हुए। बेन कॉपर का दोस्तों यहाँ पर स्ट्रगल है जॉस लिटल के सामने, 4 बॉल के अंदर 3 रन एक बार आउट हुए। और यहाँ से सिमी सिंह ने दोस्तों इनको 5 बॉल के अंदर 6 रन देके एक बार आउट करा है। मार्क आदिर ने 14 बॉल के अंदर 13 रन देके एक बार आउट करा है। बेस्ट लेडे आएंगे यहाँ से, इनका स्ट्रगल है एंडी एंड ज़िब्राइन, 15 अपन कह सकते हैं बॉल्स के अंदर 8 रन है एक बार आउट हुए। स्कॉट एडवर्स का दोस्तों स्ट्रगल है जॉस लिटल के सामने, 5 बॉल के अंदर मात्र 1 रन है और एक बार आउट हुए। मार्क आदिर ने दोस्तों इनको 3 बॉल के अंदर 1 रन देके एक बार आउट करा है। पीटर सेलर का दोस्तों स्ट्रगल है जॉस लिटल के सामने, ठीक है, तो आपको देख सकते हो कि 2 बॉल के अंदर ना 1 विकेट निकाला है 0 रन देके। क्रेग यंग ने भी आउट करा है और यहाँ से सिमी सिंह ने भी आउट करा है। टॉबी विसा का दोस्तों स्ट्रगल है यहाँ पे बैरी मकार्थी के सामने, 5 बॉल में 5 रन एक बार आउट हुआ है। पॉल स्टर्लिंग का दोस्तों यहाँ पे स्ट्रगल है टीम वन गक्टिन के सामने, लास्ट में भी दोस्तों वही वाला टीम वन गक्टिन ने इनका आउट करा था 51 बॉल के अंदर 48 रन देके दो बार आउट करा है। और यहाँ से पीटर सेलर भी दोस्तों इनका आउट कर सकते हैं, 41 बॉल के अंदर 48 रन है, 3 बार आउट करा है और तीनों बार दोस्तों उसको दूसरी बारी के अंदर आउट करा है। केविन ओब्रायन का स्ट्रगल है फ्रेड क्लासन के सामने, एंड्रू बलबराइन का दोस्तों यहाँ पे स्ट्रगल है किसके सामने, पीटर सिलार के सामने एक बार आउट हुए हैं, फ्रेड क्लासन के सामने दोस्तों एक बार आउट हुए हैं, लॉगन बिक के सामने 3 बॉल के अंदर 4 रन बना के एक बार आउट हुए हैं। लास्ट मैच में दोस्तों बहुत ही गलत शॉट खेला था उसने, कट मार रहा था लेकिन दोस्तों स्लाइस करा एकदम ऊपर से थिक एज लग के कट मारा था, तो वहाँ पे
स्क्वायर की तरफ कैच हुआ था। हैरी टैक्टर एक विकेट है फ्रेड क्लासन का, एक विकेट है अगेंस्ट हैरी टैक्टर। लॉर्कन टकर का स्ट्रगल है पीटर सिलार के सामने, 7 बॉल के अंदर एक बार आउट हो चुका है। जॉर्ज डॉकरेल का स्ट्रगल है यहाँ पर, पीटर सिलार, टेमन गुप्टन, ब्रेंडन ग्लोर ने दोस्तों लास्ट मैच में आउट करा था, 15 बॉल के अंदर 5 रन देके एक बार आउट करा है। कॉमन कैप्टन पॉल स्टर्लिंग, पीटर सिलार, बड़ी लीग्स में दोस्तों बनाओ पॉल स्टर्लिंग को, एंड्रू बेलब्राइन को, बैरी मकार्थी दोस्तों फिर से बैक करना आपको, लॉगन बिग हो गए अलग जाना है, मैक्स डोवर्ड, पीटर सिलार, जॉर्ज डॉकरेल। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करना, फिर आप दोस्तों डिसलाइक कर सकते हो, बस आपकी मर्जी है, हाउ यू सी द थिंग्स, वही बात हमेशा दोस्तों आती है। अब बात करें दोस्तों टीम्स की, तो यहाँ पर दोस्तों मेरे कैप्टन है पीटर सिलार, क्योंकि ये ऑलराउंडर है, विद द बैट या तो विद द बॉल दोस्तों परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। पॉल स्टर्लिंग इन फॉर्म, एंड्रू बेलब्राइन, मैक्स डोवर्ड, लॉर्कन टकर दोस्तों में यहाँ पे आराम से ले सकते हो, स्कॉट एडवर्ड्स को या फिर टोबे वीसा को, एंड्रू एमसी ब्राइन, यहाँ से दोस्तों मैंने फिर से बैरी मकार्थी को बैक करा, दोस्तों एक अच्छा बॉलर है, फॉर्म दोस्तों में से टेम्प्रेरी रहता है, क्लास दोस्तों परमानेंट रहती है, और यहाँ से लॉग वन बेक टीम वन ग्रुप टीम। अब देखो क्या करना दोस्तों बड़ी लीग्स के अंदर, वही कहूँगा सबसे पहले कि रिस्क लेने से नहीं डरना है और अपने प्लेयर को दोस्तों बैक करना है हमेशा। अगर दोस्तों एक प्लेयर एक मैच के अंदर परफॉर्मेंस नहीं देता है ना, तब दोस्तों आप उसको दूसरे मैच में ड्रॉप कर देते हो नॉर्मल बेस के अंदर, ये दोस्तों आपको सबसे पहले नहीं करना है। आपको क्या करना है, अपने प्लेयर से दोस्तों बैक करना है, बैक योर प्लेयर्स, ठीक है। जो प्लेयर दोस्तों आपको पहले मैच के अंदर ख़त्म कर गया था, वो दूसरे मैच के अंदर दोस्तों आपको फिर से ख़त्म कर देगा, आप उसको ड्रॉप करते हो, तो हमेशा आपको उसको लेके चलना है, अपने आपके स्किल्स को बैक करना दोस्तों। लाइफ वही है कि आप दोस्तों अपने आपको कितना बैक करते हो, लाइफ दोस्तों आपको हमेशा हिट करेगी। तब देखो दोस्तों लॉकन टकर एक ठीक ठाक खिलाड़ी है, कीपिंग से पॉइंट दे जाएंगे। स्कॉट एडवर्ड्स की दोस्तों बैटिंग आना थोड़ा सा ज़्यादातर लाजमी है, क्योंकि आयरलैंड का जो बैटिंग क्रम है ना मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है। पॉल स्टर्लिंग इंपॉर्टेंट, मैक्स डोवर्ड दोस्तों ठीक ठाक खिलाड़ी हैं, टैकलिंग बहुत साउंड है, अलग सा बैट स्विंग है इनका। एंड्रू बेलब्राइन दोस्तों एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी मेरे लिए हमेशा रहते हैं। स्टेफन ओवेबो को आप ट्राई कर सकते हो बड़ी लीग्स के अंदर, पिछले मैच में अच्छे टच में दिखे थे। बैन कॉपर दोस्तों रिसेंटली 5-6 मैच से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। विलियम पोटरफील्ड दोस्तों मैं कहूँ ना आपसे, ये प्लेयर थोड़ा सा अलग है, पर फॉर्म मैटर करता है, प्लस दोस्तों कैसा फील करता है, कैसा दोस्तों ड्रेसिंग रूम का माहौल है उसके ऊपर डिपेंड करता है, वरना दोस्तों एक क्वालिटी प्लेयर है, बहुत अच्छी नॉक्स खेल चुका है पास्ट के अंदर। हैरी टैक्टर को आप ट्राई कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। पीटर सिलार इंपॉर्टेंट है, सिम्पल सिंह दोस्तों एक एवरेज पिक आपके लिए रहेंगे। एंडी एमसी ब्रायन एक महत्वपूर्ण गेंदबाज हो सकते हैं अगर आयरलैंड बॉल फर्स्ट करती है तो। डॉकरेल को दोस्तों जरूर ट्राई करना जब आयरलैंड बैट फर्स्ट करती है, बैट फर्स्ट में हमेशा अच्छा करते हैं विद द बैट। फ्रैंक यहाँ से टीम वन गट्टिन, ये एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हो सकते हैं। लॉगन बिग हो गए दोस्तों यहाँ पर, क्रेग यंग हो गए, जॉस लिटल हो गए, फिर यहाँ से बैरी मकार्थी मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहेंगे। फ्रेड क्लासन ट्राई करना बड़ी लीग्स के अंदर, उन्होंने पिछले मैच में मात्र 10 ओवर के अंदर 28 रन दिया था, और बॉलर दोस्तों थोड़े से महंगे साबित हुए थे। और कोई भी फर्दर अपडेट्स आएगी दोस्तों आपको मिलेगी टेलीग्राम के ऊपर, कैसे जुड़ना है टेलीग्राम से मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में पिन करके दे दूंगा, आप जुड़ सकते हो। देखते रहिए स्टार्ट्स गुरुजी, जय हिंद जय जवान जय।